Okay, ji, let's continue, please. आइए अभी थोड़ा लिखने का काम है, वार्म अप. पहला पॉइंट फटाफट लिखेंगे. लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट. Most important role of top management. What is the answer? What is the answer? Decision making. Number two. Decision making process ये डिसीजन लेने का प्रोसेस है जो अभी तक डिस्कस नहीं किया था आपसे. आप डिस्कस करें, बहुत सारा चीज सीखने को भी मिलेगा. ध्यान से सीखते हुए चलिएगा. स्टेप नंबर वन होता है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव. Identify the objective. Step number two. Identify different alternatives. जैसे मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया वो यहां से ही शुरू हुआ था. मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया था वो यहां से शुरू हुआ था. ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी दे दिया था. रियल वर्ल्ड में चैलेंज क्या होता है, सोल्यूशन तो हम कर लेते हैं, क्वेश्चन ही तो क्रिएट करना होता है. जैसे आप लोग ऑफिस में कभी काम कर रहे हैं तो देखिए, जर्नल एंट्री मारना डिफिकल्ट नहीं है, टैली में एंट्री करना डिफिकल्ट नहीं है, बट ट्रांजेक्शन क्या है, चैलेंज है ना. ट्रांजेक्शन ही तो नहीं मिल रहा है, बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं होता, एंट्री रॉन्ग है, वो एक्सेप्शनल केस है. प्रॉब्लम क्या है, कोई ट्रांजेक्शन ही छूट रहा है. रियल वर्ल्ड में चैलेंज क्या होता है, डिसीजन लेना है आता है, प्रेजेंटेशन करना आता है, बट ऑप्शंस क्या क्या है. करेक्ट. तो स्टेप वन एंड टू यूजुअली क्वेश्चन में क्रिएट करके दे देता है. जो मेन चीज है वो ऑलरेडी क्रिएटेड होता है. रियल वर्ल्ड का डिसीजन मेकिंग में ये दो स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये ऑप्शंस अपने पास है. देखो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है. ऑल्टरनेटिव्स कंसिडर क्यों करें, मेरा ये क्वेश्चन है. व्हाई आई शुड कंसिडर ऑल्टरनेटिव्स. क्यों मैंने अपने क्वेश्चन में मिस्टर संदीप के लिए दो केस जनरेट किए थे, ओन शॉप और लेट आउट. व्हाई नॉट आई जस्ट थॉट ऑफ ओनली वन ऑप्शन. मिस्टर संदीप को कमाना था तो मैं एक ही ऑप्शन बोल सकता था, अरे अपना ओन बिजनेस करना भाई, क्यों माथा लगाता है और दूसरा चीज में माथा मत लगा. व्हाई आई क्रिएटेड टू ऑप्शंस फॉर हिम, ये अगेन ह्यूमन साइकोलॉजी है. ऑप्शंस मिलता है ना तो डिसीजन लेना थोड़ा सा आसान होता है ना. जैसे कपड़े खरीदने जाते हो, एक चीज दिख गया सीधा वो उठाने के पहले भी ना एक बार मन करते, एक बार और दूसरा देखे तो फिर कंपेयर करते हैं, फिर समझ में आता है नहीं, हम जो सोच रहे वो ज्यादा सही है. इससे क्या होता है, फ्यूचर में जाके वो डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन को लेकर गिल्ट नहीं होता. ये एक टेंडेंसी होती है हमारी, ऐसे ही हम सोचते हैं. इसलिए वही चीज को हम पढ़ाई में भी इंक्लूड किए. अरे पढ़ाई तो इंसानों के लिए है. जो इंसान निजी जिंदगी में सोचता है तो वो कंपनी चलाने के लिए क्यों नहीं सोचेगा. मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है, जब हम सामने सारा रख लेते हैं और फिर उनमें से बेस्ट चुनते हैं तो बाद में जाकर हमें गिल्ट नहीं होता कि हम सोचा नहीं था ढंग से.
ठीक है? और अगर बिना ऑप्शन के सोच के आते हो ना, तो जैसे ही फेलियर सामने आने लगता है ना, दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं सोचा ये क्लिक करने लगता है। ठीक है, जैसे ऐसी सिनेरियो में बता रहे, अभी सीए कर रहे हो रहा हो रहा हो रहा, ठीक है, जहां नहीं होना शुरू होता है वहां क्लिक करता है, और कुछ क्यों नहीं कर लिया, ऐसा होता है। एमबीए क्यों नहीं सोचा, हम ये वाला कोर्स क्यों नहीं सोचा, इससे अच्छा हम पापा का बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर लेता, मेरे पास तो और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकते थे, सब ऑप्शंस बाद में आते हैं। तो ऑप्शंस अगर सोचना ही है तो व्हाई टू थिंक व्हेन यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट अ डिसीजन, यू शुड थिंक ऑफ ऑप्शंस बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। लॉजिकल है ना, एक डिसीजन को लेने के पहले आप सारे ऑप्शन सामने रखिए, भले ही थोड़ा सा लेट से लीजिए बट सारे ऑप्शन सामने में रखिए, और फिर उनमें से बेस्ट को चुनिए और एक बेस्ट को लेके आगे बढ़िए। जैसे मैं पढ़ाने आया आपको, ठीक है, मैं हमेशा से रैंक होल्डर स्टूडेंट रहा, हाईएस्ट एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स अपने स्कूल में, कॉलेज में, मतलब अपने सेक्शन में, कॉलेज में ओवरऑल तो नहीं था बट सीए में फिर फोकस बढ़ा दिया था, उधर भी रैंक था, सीएस में भी रैंक था। मेरे से कई स्टूडेंट पूछते थे, सर आपका इतना रैंक आया तो आप पढ़ाने क्यों आए, समझे? मतलब मैं उनकी बात समझ नहीं पाता था, अभी भी नहीं समझ पाता हूं, कोई मेरे से पूछ लेता मतलब तुम क्या चाहते हो, तुमको बिना पढ़ा लिखा आदमी पढ़ाए, ये क्वेश्चन का अर्थात क्या है? फेलियर जो घाट घाट के पास हुआ वो तुमको आके पढ़ाए, कि जो वन शॉट पास हुआ जो रैंक वैंक लाया वो तुमको आके पढ़ाए, तुम किससे नॉलेज लेना चाहते हो? तो नहीं सर, फिर भी रैंक लाके तो बहुत अपॉर्चुनिटीज होते हैं आपके पास। अरे तेरे को डिसीजन लेना नहीं आता, मैंने बहुत सोचा था, बहुत रैंक लाया तो सीए प्रैक्टिस कर सकता हूँ, रैंक लाया तो जॉब में जा सकता हूँ, फिर रैंक लाया तो पापा का बिजनेस चल रहा था उसमें घुस सकता हूँ, फिर और एक सपना था हीरो बन सकता हूँ, मुंबई चला जाता हूँ। तो सपना सभी का होता है ना, वो तो बचपन से चला ही रहते हीरो बनेंगे, फिर सोचा कि साधु बन जाऊं, उसमें भी बहुत कमाई है, बहुत ऑप्शन सामने में रखे, फिर लगा नहीं सीए का टीचर बन जाता हूं। हर ऑप्शन को उसी समय सामने रखा, भले ये फैसला लेने में मुझे लगा होगा 6 महीना साल भर लग गया होगा। सीए पास होने के बाद लोग अपना सीवी बना के इधर उधर पोस्ट कर रहे थे, मैं तो ये बैठ के सोच रहा था। घर वाले पूछे थे आज कहाँ सीवी छोड़ के आया, हाँ, छोड़ दिया, लाया नहीं कोई कॉल, नहीं, नहीं नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, क्यों कहीं सीवी बनाया ही नहीं यार, छोड़ने क्यों जाए, अभी समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। तो फिर हर एक का प्रोज एंड कॉन्स नहीं समझ में आ रहा था, पता है क्या करते थे, हमारे एक रिलेटिव थे उनके सीए फर्म में चले गए, उनको बोले हम, आप इमेजिन कर लीजिए, सोच लीजिए कि मैं प्रैक्टिस में आ गया, अब मेरे को काम दीजिए, लेकिन हमको पता नहीं हम क्या कर सकता है, मेरा कैपेबिलिटी क्या है, काम दीजिए, हम करेगा एकदम ईमानदारी से। वो भी मान गए, महीना भर गए, समझ में आया भैया बस का बात नहीं है, जॉब में गए दूसरा जगह कहीं जॉब पकड़ा, महीना भर किए, समझ में आया बस का बात नहीं है, ऐसे कर करके, मतलब डेटा नहीं था ना कि इस ऑप्शन में क्या रेवेन्यू है, क्या कॉस्ट है, क्या प्रोज है, क्या कौन से, तो कर करके समझा, लास्ट में जाके यहाँ पे स्पार्क जला। और इसलिए भी जला क्योंकि मैं प्री सीए भी बहुत पढ़ाता था, मेरे काफी 500-700 स्टूडेंट उस समय भी थे, तो वो एक एडवांटेज मेरे पास था, बोल के मैं घुस गया। और घुस गया तो यहाँ पे भी बहुत चैलेंजेस आते गए, अभी भी आते रहते हैं, लेकिन पीछे हटने का तो काम नहीं है ना, अब तो ये बोलते हैं भैया सतीश तू सोच के तो आया था, पीछे क्यों जा रहा है, चैलेंजेस आ रहे तो रास्ता दूसरा निकालेंगे। अब थोड़ी हम सोच सकते हैं चलो ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, अब नहीं सोच सकते, जो सोचना होता है वो शुरुआत में सोचना होता है। इसलिए स्टेप नंबर 2 है आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। ये नहीं कि जब आप एक ऑप्शन में घुस गए वहां सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, अब सोच रहा बहुत और क्या क्या कर सकता है, फिर तो आप कभी कुछ नहीं कर सकोगे, वहां तो आ चुके हो आप, अब तो आपको वहां पे बस सोचना है कि ये सामने पत्थर पड़ा है तो साइड से निकलना है कि पत्थर को हटा के निकलना है, ये आपका चॉइस है,
बट आप यहां पे आके ये नहीं सोच सकते हम दूसरा कुछ करें क्या, वो तो फैसला हो चुका है, अब तो इसको कंप्लीट करने का बात है। तो जब इसके पीछे पड़ गए तो नतीजा आना शुरू हो गया। जब जब अपने सक्सेसफुल नहीं हो रहे और उस समय ऑल्टरनेटिव सोच रहे, वी आर क्रिएटिंग अ मेस। यू शुड थिंक ऑल्टरनेटिव्स बिफोर हैंड, बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। हाँ, ये अब मान लीजिए एक डिसीजन लिया, उस डिसीजन का एक नतीजा पे पहुंचो, नतीजा नहीं आ रहा है तो आप अपना रास्ता बदलो। रास्ता बदल के भी समझ में आए कि नतीजा आना मुमकिन ही नहीं अब, तो फिर एक एक्सेप्शन आता है। अब सोचो कि अब और क्या क्या कर सकते हैं, अब मुमकिन ही नहीं तो फिर सोचेंगे, बट जब तक मुमकिन है आपको अपना रास्ता बदलना है और काम निकालना है। ऑल्टरनेटिव क्यों सोचना है, ये मैं ऐसे ही आपको एक अपना एनालिसिस लिख रहा हूं, व्हाई टू थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव। व्हाई टू थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव, इट रिड्यूसेस गिल्ट ऑफ टेकिंग अ डिसीजन, इट रिड्यूसेस गिल्ट ऑफ टेकिंग अ डिसीजन। गिल्ट समझ रहे ना, ग्लानी, अंदर में रिपेंट ना करना कि मैंने फैसला क्यों लिया। हर तरह से सूझबूझ से फैसला लिया तो अब रिपेंट नहीं करना है। इट रिड्यूसेस द गिल्ट ऑफ टेकिंग अ डिसीजन, दैट इज वन बिकम्स मोर कॉन्फिडेंट टू एग्जीक्यूट अ डिसीजन अंडरटेकन। One becomes more confident to execute a decision undertaken. Step 3. Evaluate the alternatives. सारे alternatives evaluate होने चाहिए, सारे के सारे ऑल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट होने चाहिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक बात आती है, जैसे सोचो मेरे पास चार ऑल्टरनेट्स थे। ऑल्टरनेट वर्ड मतलब क्या होता है पता है, एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा। वर्ड ऑल्टरनेट का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता ही है। ऑल्टरनेट माने ये आएगा तो वो नहीं आएगा, वो आ जाएगा तो और कोई नहीं आएगा। ओके, वर्ड ऑल्टरनेटिव इसीलिए यूज करते हैं अपने, ऑल्टरनेटिव्स इंडिकेट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। नाउ ऑल्टरनेट जब अपने इवेल्युएट कर रहे हैं तो अपने पास चार थे, चार में से एक बेस्ट लगा, तो जो तीन रिजेक्ट हुए उसका हम क्या करें? वो सारा एनालिसिस, उसका इंफॉर्मेशन, इतना फाइंडिंग किया, रिसर्च किया, उसको क्या करें? हाँ, उसको स्टोर करना चाहिए कि फेंक देना चाहिए? स्टोर करना चाहिए। कब काम आ सकता वो बोलो? जब आपको लगेगा ना आगे जाके कि अब मुमकिन ही नहीं है इसमें आगे जाना, हमारा सही में किसी कारण से डिसीजन गलत ही हो गया, तो पुराना एनालिसिस काम आता है। समझ गए? कभी भी अपने एनालिसिस को फेंकना नहीं है, डिस्कार्ड नहीं करना, हमेशा स्टोर करना। स्टोर करके आप उससे कंटिंजेंसी प्लानिंग करते हो। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिंजेंसी प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है। Evaluate the alternatives. Step 4. Implement, monitor and control. Implement मतलब जो best alternative है उसको आपने implement करना है, उसको monitor करना है और उसको control भी करना है। इंप्लीमेंट, मॉनिटर एंड कंट्रोल द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, कभी भी फैसला लेना है ये स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। अभी एक स्टूडेंट बोलता है, एक बार सर आपका जो बात मेरे को सीखने को मिला
उसे फायदा कैसे हुआ, वो लोकल ट्रेन से आता था यहाँ पढ़ने के लिए, उसको अचानक बिना टिकट के आज ट्रैवल कर रहा था, टीटी पकड़ लिया। और ऐसा टाइम पे पकड़ा कि अगर मान लीजिए उसके पास फिर दो ही ऑप्शन थे, क्या तो टीटी से झगड़ा करो और क्लास छोड़ो, और दूसरा ऑप्शन था कि टीटी जो मांग रहा दे दो और क्लास में चले जाओ। वो खुद बताया आके अपने एक्सपीरियंस, सर आप जो पढ़ाए मेरे को ऐसे काम आया, मैं ऐसे सोचा वहां पे खड़े खड़े, मैं सोचा आज गुरु मेरे को पकड़ लिया है, मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या तो मैं इससे झगड़ा करूं और मेरा क्लास छूटे, और या फिर मैं इसको जो मांग रहा दे दूं और फटाक से क्लास में चल जाऊं। मैं सर इवेलुएट किया, वो मांगा 250 रुपये, मैं तुरंत दिया और मैं फटाक से क्लास में आ गया, क्योंकि मेरे को ये लगा कि मेरे लिए क्लास का नॉलेज अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, 250 रुपया जाने से फिर तो मैं कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाऊंगा तो मैं बहुत कमा लूंगा, ये 250 रुपया मेरे लिए कुछ नहीं रहेगा, वो ऐसे सोच के आ गया सर। लेकिन क्लास में आके बहुत अच्छा लग रहा है, अब ऐसे उसमें सोच क्या है ना, अब क्लास में आके बहुत अच्छा लग रहा है, अब वो दुख नहीं हो रहा कि मैं उससे झगड़ा करके पैसे बचा लेता। तो स्ट्रक्चर्ड वे क्या है डिसीजन लेने का, बिफोर टेकिंग अ डिसीजन ऑलवेज चॉक आउट द ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है उसको सोचो, उसको भी इवेल्युएट करो, फिर अपना बेस्ट को चूज करके इम्प्लीमेंट करो, और जो इवेल्युएट किया हुआ है उसको तुरंत डिस्कार्ड भी मत करो, वो फिर फ्यूचर में कभी काम आ सकता है, कोई कंटिजेंसी अराइज किया, सिनेरियो ही चेंज हो गया तब काम आ सकता है, किसी और के भी काम आ सकता है ना, ऐसा नहीं कि आपके काम आए, किसी और के काम आ जाए तो। किसी और के काम का भी एक इंस्टेंस हुआ था, क्या हुआ कि अब शादी हुई थी, हनीमून पे जाना था, तो एक दोस्त को फोन किया, भैया कोई बताओ लोकेशन, बोले रुक हम तेरे को एक मेल भेजता है, मेल भेजा तो देखा एक बड़ा सारा एक्सेल शीट है, उसमें सारा डेस्टिनेशन का कॉलम्स बना हुआ है, इसमें ये कॉस्ट, ये जगह, ये वो सारा डिटेल लिखा हुआ है। बोला गुरु तेरा तो शादी हुआ नहीं है, तेरे पास इतना डिटेल कैसे आया? बोला अभी प्लानिंग करता रहता हूं, मेरे को कोई काम में फिर लेट नहीं चाहिए, समझ गए, ऑल्टरनेटिव सारा रेडी है, समझ गए। तो मेरे को बोला तुम चुन ले, मेरे काम नहीं है ऑल्टरनेटिव, तेरे तो काम आया, हाँ डेटा रख के रखा था सारा। और इंटरेस्टिंग बात, जिस दिन उसका शादी पक्का हुआ, ठीक, तो जनरल टॉक्स कपल्स में कि हनीमून कहाँ पे करेंगे, तो जिस दिन बात उठा उस दिन बोला रुको, तुरंत खटाखट मेल भेज दिया, मेल भेजते ही बवाल लग गया, बवाल क्या लग गया, इसका पहले से कोई चक्कर था, नहीं तो इतना जल्दी इतना कोई तैयारी करके रखता है क्या? बाद में वो कन्विंस किया, नहीं 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 हम थोड़ा प्रोएक्टिव चलता है, मेरे पास और भी प्लानिंग है, इसका मतलब हम ऐसा ही लड़का थोड़ी है। नंबर 3, थ्री इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। थ्री इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। हमारा देखो मेन फोकस इस चैप्टर में इसी के ऊपर, ठीक है, हम मेन काम करना चाहते हैं इवैल्यूएशन पे, हम लोग ऑब्वियसली जो और भी अच्छा काम हुए दिमागी काम है वो है फर्स्ट टू, उस पे हमारा क्वेश्चन हमें नहीं खींचता, क्वेश्चन बोलता है हम सारा ऑल्टरनेटिव दे दिए आप बस अपना कैलकुलेशन दिखा दीजिए। तो इवैल्यूएशन करने के लिए क्या तीन पैरामीटर है, हम उस पर बात कर रहे हैं। ये तीन पैरामीटर एक्चुअली एक मॉडल के नाम से जाना जाता है जिसका नाम है जॉनसन स्कोल्स एंड विटिंगटन मॉडल। जॉनसन स्कोल्स एंड विटिंगटन मॉडल,
इसमें तीन पैरामीटर बता रहे हैं। पहला है सूटेबिलिटी, दूसरा है एक्सेप्टेबिलिटी, तीसरा है फिजिबिलिटी। साफ एनालिसिस बोलेंगे SAF, साफ 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 एनालिसिस। सूटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी, ये तीन पैरामीटर से हम हमेशा डिसीजन लेते हैं। इसमें एक्सेप्टेबिलिटी माने हैं फाइनेंशियल्स, जो मैं आपको ऊपर में दिखाया था। संदीप वाला सम जो सॉल्व किए वो फाइनेंशियल्स पे सॉल्व किए थे, यानी हम सिर्फ एक्सेप्टेबिलिटी पे ज्यादा बात किए थे। ठीक, सूटेबिलिटी में आता है आपका विजन, आपका मिशन, आपका वैल्यूज, कल्चर, आपका ब्रांड इमेज, या रेप्यूटेशन। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि समझो एक्सट्रीम फ्यूचर में जाओ 10 साल 20 साल बाद, तो आप आज जो डिसीजन ले रहे हो उसके कारण उस 20 साल बाद आप कैसे होंगे। एक्सट्रीम फ्यूचर में जाओ, 10 साल बाद आप कैसे होंगे, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा आपके लाइफ पे, या ऑर्गेनाइजेशन के यू नो प्रॉफिटेबिलिटी पे, या ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड पे। एक्सट्रीम फ्यूचर में जाके सोचो, उससे आपको समझ में आएगा कि कोई ऑल्टरनेटिव को आपको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। बिकॉज यू नो एक चीज बताते हैं हम लोग, इन जनरल फाइनेंस फाइनेंस पे ज्यादा इम्फेसिस देते हैं, बट फाइनेंस इज ऑलवेज सेकेंडरी वेन यू टेक एनी डिसीजन। ये फैक्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रियल वर्ल्ड फाइनेंस पे चलता होगा, बट फाइनेंस हमेशा ऐसा है कि वो अपने आप अरेंज हो जाता है। बस नियत और नीति अच्छी होनी चाहिए, फाइनेंस अपने आप आता है। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एकदम सिंपल सा बात बोलूं, फाइनल कोर्स आप जब शुरू करते हैं फॉर इंस्टेंस, तो आपको पता नहीं इसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट हो जाता है फाइनल में। तो कोई जरूरी होता है कि हर स्टूडेंट के पास वो लाख रुपया हो, तो क्या वो फाइनल नहीं पढ़ पाता है? पढ़ लेता है। उसका डिसीजन होना चाहिए क्लियर कि मुझे पढ़ना है, तो फाइनेंस फॉलोज। व्हाट इन्फ्लुएंसेस मोस्ट ऑफ डिसीजन इज S एंड F, एक्सेप्टेबिलिटी इज ऑलवेज सेकेंडरी। आज फाइनेंस पॉजिटिव है, बट लॉन्ग टर्म में वो क्या इंपैक्ट दिखाएगा मेरे को नहीं पता है, तो मैं उसको नहीं लेना चाहता। आपको सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूं। एक इंस्टेंस ऐसा हुआ मेरे साथ एक दिन कि मैं बहुत बड़ा फाइनेंस क्रंच में था। ठीक है, मतलब ऐसा कि घर कैसे चलेगा वो नहीं समझ में आ रहा था। उसी समय अचानक एक फोन कॉल आता है। फोन कॉल बोल रहा है कि मैं एक लॉयर हूं, आपका नंबर किसी दोस्त से मिला, मेरे पास एक काम है उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जरूरत है। तो मुझे पता चला कि आप बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप मेरा एक काम करवा सकते हैं क्या? मतलब क्या काम? मतलब मैं लिक्विडेटर हूं, ऑफिशियल लिक्विडेटर, मेरे को एक कंपनी को लिक्विडेट कराने का काम मिला है, और लिक्विडेट कराने के लिए एक लिक्विडेशन अकाउंट्स का स्टेटमेंट बनता है, आप लोग भी अकाउंट्स में पढ़े हैं, वो आप लोग का किया हुआ होता है, सारा मैं गाइड कर दूंगा, बस चार्टर्ड अकाउंट का उसमें स्टैम्प चाहिए होता है, तो आपसे करवा लूंगा। और इतना बड़ा कंपनी है, कोई नाम बोला, कोई इतना करोड़ का उसका लिक्विडेशन का एसेट्स है वो बोला, और परसेंटेज फी का सिस्टम है, तो आपको कैलकुलेट करके बता रहा 9 लाख रुपया मिलेगा। अब ऐसा क्राइसिस का सिनेरियो में 9 लाख मतलब लगे तो भगवान ने कोई फरिश्ता भेज दिया, करेक्ट? फिर बोले अच्छा क्या करना होगा? बोले कुछ नहीं, आपको बस कल आके मिलना है,
ऐसा टाइम बोला जिस समय मुझे मेरा क्लास छोड़ के जाना पड़ता, तो मैंने क्लास कैंसिल किया। मैं बोला क्लास तो चला लूंगा, बैकअप कर लूंगा, चलो चलते हैं वहां पे। तो वहां पे गया तो बोला यहाँ पे आके हाई कोर्ट के नीचे खड़े रहिएगा। हाई कोर्ट के नीचे जाके खड़े हो गए, मेरे को ऑफिस मालूम नहीं, हमारा आदमी आएगा आपको लेके चलेगा। बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, खड़े हैं खड़े हैं, वो फोन कर रहे हैं, वो आ गए हम। बोला हाँ हाँ आ रहे हैं। फिर थोड़ी देर में फोन कर रहे हैं, हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं। फिर खुद फोन आ रहा, अरे हम आ गए आ गए आ गए। करते 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 2.5 घंटा निकाल दिया, और 2.5 घंटा से लगातार फोन आ रहा है, अभी आ गया अभी आ गया अभी आ गया। हम बोला अरे दादा क्या हुआ, अरे आ रहा आ रहा। करते करते 2.5 घंटा निकला। फिर 2.5 घंटे बाद फिर लास्ट फोन आता है, आप कित आप आज नहीं हो पाएगा, आप एक काम करिए कल मिलते हैं। अब ये सिनेरियो होते ही मेरा तो पूरा बॉडी से पानी उतर गया, मेरे को समझ में नहीं आया आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं क्लास छोड़ चुका था, मैं वापस सेंटर आया, खाली क्लास में बैठा कि आज मेरे साथ क्या हुआ। समझ रहे हैं, मुझे पैसे कमाने थे, बट ये मेरा तरीका था क्या? मैं मेन स्ट्रीम में आ चुका हूं, उस मेन स्ट्रीम में चैलेंजेस आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं कोई ऑल्टरनेट स्ट्रीम पकड़ लूं। मेरे को मेन स्ट्रीम के चैलेंजेस पे काम करना है, ना कि ऑल्टरनेट पे जाना है। और अगर आज मैं ये काम कर भी लिया, आज कमा लिया, आज के दुख तो दूर हो जाएंगे, लेकिन भविष्य का क्या होगा? ये आदमी तो और पीछे पड़ेंगे। मेरे मन में ऐसा लालच आ जाएगा कि ऐसा छोटा छोटा काम करो और इतना इतना रुपया कमा लो। क्या मैं ये सोच के इस प्रोफेशन में आया था? नहीं, सेट ही नहीं हुआ। मतलब फैसला सेंटर में बैठे 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 क्लोज किया कि नहीं मैं भटक गया था, मुझे ये सब नहीं करना। चैलेंजेस फेस करेंगे, अपने रास्ते के पत्थर को हटाएंगे, ना कि कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे। अगले दिन फिर उनका फोन आया, और मैं आज बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ फोन उठाया ही नहीं। मैं पूरा मन से, जितना एनर्जी कई महीनों से नहीं दे रहा था, उससे ज्यादा एनर्जी से क्लास ले रहा था, बहुत खुश होकर, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं जो कर रहा हूं वही करूंगा, मुझे और अल्टरनेट में जाना नहीं। फिर जब मेरा क्लास खत्म हुआ, उनका 17-18 मिस कॉल था, कॉल बैक किया, दादा देखिए आप बहुत अच्छे लॉयर होंगे, मेरे को एक काम करना नहीं, आपके पास बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाएंगे, आप उनसे करवा लीजिए। नहीं, आप बुरा मान गए क्या? अरे बात यह था कि आप कल, आपको बोला था अकेले आने, आप कितना लोग के साथ आया था, मेरा आदमी देखा आप बहुत लोग के साथ आया था, इसलिए हम नहीं आया। बोला हम तो अकेला ही गया था, अब आप किसको देख के आए, आप हमको जानते हैं, आप कभी मिले हैं, आप किसको देख के आए, आपका आदमी किसको देखा, हमको पता नहीं है, हमको ये सब चीज में मट्टा नहीं है। नहीं, एक बार और तो आइए कम से कम, आप मेरा ऑफिस का एड्रेस लिख लीजिए, सीधा वहीं आइए, रास्ता में मत मिलिए। बोला नहीं, आपको मिलना है तो मेरा ऑफिस का एड्रेस ले लीजिए, यहाँ आ जाइए, मिल लेंगे, लेकिन आपका काम हम नहीं करेंगे, मेरे को ये सब काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, हम ये सब काम जानता भी नहीं, हमको करना भी नहीं। वो बोल के डिसीजन लेने से फायदा क्या हुआ पता है? जिसमें थे उसमें कन्विक्शन बढ़ गया, और किस पैरामीटर पे मैं वो रिजेक्शन किया उस ऑल्टरनेटिव को, फाइनेंस के पैरामीटर पे तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, एफर्ट ही कुछ नहीं था, अमाउंट ही अमाउंट आ सकता था, थोड़ा उसका चापलूसी करना पड़ता, क्या पता ही जाता, राइट? बट ना मेरा विजन था, ना मेरा मिशन था, ना मेरा कोई वैल्यू सिस्टम में ऐसा कि मैं ऐसा कुछ काम कर पाऊं। वैल्यू सिस्टम माने हम लोग बोलते हैं पास्ट डीड्स ऑफ योर फैमिलीज एंड रिलेटिव्स, जिसमें आप बड़े हुए हो। ना मेरा वैसा कोई कल्चर में जुड़ा हुआ काम, ना वैसा मैं लोगों से कभी मिला, और मेरे को ऐसा कभी अपना ब्रांड इमेज बनाना ही नहीं था, तो मैंने उस ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया। तो ये छोटा सा चीज होता है, जैसे आपको कभी मान लीजिए पैसे कमाने हैं, और मैं आपको बोलूं, मान लीजिए मैं अंडर अंडरवर्ल्ड का आदमी हूं, सुन पैसा कमाना है ना तेरे को, इधर आ, उसको किडनैप कर, ठीक, बहुत मालदार पार्टी है, तेरे को जेल वेल होगा, अपुन निकाल लेगा, 1 करोड़ रुपया तेरे को मिलेगा, बोलो कमाओगे क्या? पैसा ही कमाना है क्या? खाली फाइनेंस ही डिसीजन लेते हैं क्या? मैं क्या समझा रहा हूं, खाली फाइनेंस ही डिसीजन लेते हैं क्या? नेवर। अरे भैया हमको पैसा कमाना है, ठीक है, लेकिन ये रास्ता से नहीं कमाना है। हम लोग कई बार डाइवर्ट हो जाते हैं, यू नो। अब ये तो मैंने एक्सट्रीम एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स दिए। अभी जैसे क्या होता है, नोटबंदी आया, ठीक, नोटबंदी का केस तो आप सबको देखे, वहां पे केस था कि
जिसका बैंक में कैश इन हैंड सॉरी बैलेंस शीट में कैश इन हैंड है, वो कैश इन हैंड को या बैंक में जमा कर सकते हो। अब मेरे पास कैश बहुत है और कैश इन हैंड नहीं है, तो मैं अपना रुपया जमा कैसे करूं? तो इसमें चालू क्या हुआ, धांधली क्या चालू हुआ कि आपसे आपके बैंक बैलेंस शीट में कैश इन हैंड है बट आपके पास कैश नहीं है, तो आप अपना कैश इन हैंड मुझे लोन बोल के एक बार दिखा दीजिए या किसी बहाने से मुझे दे दीजिए, मेरा बुक्स में कैश इन हैंड आएगा तो मैं जमा कर पाऊंगा। समझ गए? तो मेरे को स्टूडेंट लोग मिले, सर 40,000 रुपया कमाया। बोले कैसे? सर किसी को मेरा घर में उतना अकाउंट अकाउंट आता नहीं, सबका बैलेंस शीट बना डाला, सब में कैश इन हैंड निकाल लिया, ऑफिस में कई क्लाइंट व्लाइंट को जान रहे थे, चाहिए था उन लोगों को कैश दे दिया, एंट्री दे दिया, वो लोग मेरे को इतना परसेंट कमीशन दे दिया, 40,000 रुपया कमाया। देखो कमाने का रास्ता आपको जिंदगी बहुत देगा, यू हैव टू चूज योर वे। आपको ये देखना है कि वैसा करते करते आपका ब्रांड, आपका वैल्यूज, आपका मिशन विजन ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। द मोमेंट यू एंटर इन टू अ रूट यू विल गेट स्टैम्प्ड देयर, आपका स्टैम्पिंग हो जाएगा, आप ये काम करते हो। समझ गए? अभी होता है हम लोग के साथ तो ये सब, मैं आम जीवन का इसलिए बात कर रहा हूं कि आप कनेक्ट कर लीजिए, फिर पढ़ाई का काम तो बहुत आसान सा है। एक स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, बोलते हैं सर मेरा एक फ्रेंड है वो कच्चा पक्का करता है। कच्चा पक्का आप लोग समझते हैं? अभी जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लोग थोड़ा समझते हैं, बाकी लोग नहीं समझते। कच्चा पक्का में एंट्री घुमवाना है और आपको 2% कमीशन, 1% कमीशन, इतना बड़ा अमाउंट कि निहाल हो जाए, आपको लगे एक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाए तो हमको 2 साल काम करने का जरूरत नहीं। तो इस बार जब आया ना, मतलब भैया मेरा कोई रोल नहीं है, तो सर कोई रेफरेंस दे सकते हैं? अब मैं वहीं पे फंस गया, मेरे दिमाग में क्या आया, हाँ रेफरेंस दे सकते हैं। रेफरेंस दे दिया। अब रेफरेंस जहां दे दिया, वो हमारे रिश्तेदार थे, उनका यही काम, वो हर काम में मेरे को लूप में लेके करे, सर आप बोलिए, वो हमको बोले तुम बोलो। अरे भैया हम तो फंस गया, ना मेरा लेना ना मेरा देना। बोले सर सर हम लोग का रूल्स है, हम लोग जिसको लूप में लेता है सबको बांटता है, तो लेना देना वाला आप मत सोचिएगा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। उधर से भी वो बोलने लगे, नहीं तुम्हारा भी है, तुम करवाओ काम। अरे भाई मेरे को लेना ही नहीं, मेरे को कुछ मतलब ही नहीं, आप लोग क्यों मेरे को खींच रहे, डायरेक्ट हो जाइए, आप लोग समझिए जो करना है करना। और मतलब अपने आप को छुड़ाने के लिए मेरे को बहुत झमेला करना पड़ा। फिर समझ में आया आज के बाद रेफरेंस भी नहीं देना है, ये भी अफेक्ट करता है बहुत बुरी तरीके से, किसके पास रेफरेंस रहता है, फोन पे फोन आने लग जाते हैं। समझ गए? तो दिस इज ऑल लर्निंग यू नो थ्रू ऑल दिस रिटन मॉडल्स। मॉडल्स तो बहुत सालों से लिखा जा चुका है बट एप्लीकेशन आप कितना लेते हो इसका। ओके तो हम लोग भी अपना जो आंसर लिखे थे उसमें अदर फैक्टर्स में कहीं ना कहीं सूटेबिलिटी वाला पॉइंट्स को भी हाईलाइट किए थे। नेक्स्ट फिजिबिलिटी आ रहा है। फिजिबिलिटी में हम लोग बात करते हैं कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हाउ विल यू एग्जीक्यूट द ऑप्शन। एग्जीक्यूट करते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि कोई लाइसेंस का चक्कर हो सकता है, समझ गए, हो सकता है कोई रिसोर्स अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा, तीसरा कोई टेक्निकल नो हाउ चाहिए, कोई टेक्निकल प्रोसेस है उसका, मार्केटिंग कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। ठीक है, जैसे संदीप के लिए ओन बिजनेस वाला ऑप्शन फेवरेबल आ जाता, सोचो अब आज तक संदीप कोई बिजनेस किया ही नहीं, तो उसके मन में बहुत बड़ा डर है, ओन बिजनेस फेवरेबल तो आ रहा है बट उसको डर, घबराहट आ गया एकदम कि मैं चलाऊंगा कैसे, मेरे को तो आता ही नहीं करना, वो डर से नहीं कर पा रहा है, उसको प्रोसेस नहीं पता है, उसको मार्केटिंग करना नहीं आता है, खाली दुकान खोल के बैठ जाने से तो बिजनेस नहीं चलेगा ना, वो ट्रेनिंग है कि नहीं, रिसोर्सेज आएंगे कैसे, सारा पूरा मॉडल स्टडी नहीं हुआ ठीक से। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंस, आई एम टेलिंग यू डिसीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल अदर फैक्टर्स। सीए न्यू सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में तो कम आए हैं, एग्जाम तो बहुत कम ही हुआ है,
ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट मैट में डाले हुए हैं जिसमें 10 मार्क का क्वेश्चन है, अगर हम एमटीपी आरटीपी से देखें तो, जिसका कैलकुलेशन एक्सेप्टेबिलिटी वाला पार्ट एक लाइन में खत्म हो जा रहा है. एक लाइन क्वेश्चन पढ़ रहे, एक लाइन में आंसर आ जा रहा है कि ये उसका फाइनेंस है, लेकिन क्वेश्चन 10 मार्क का है. तो 10 मार्क में आपको लिखना क्या है, ये सारे अदर सिनेरियोस, सिनेरियो ओरिएंटेड थिंकिंग आपको डेवलप करनी. और इसलिए इसके ऊपर एक जनरलाइज डिस्कशन मैं कर रहा हूं, सो दैट आपका माइंड वो सिनेरियो को कैप्चर करना सीखे. जब अपने लिए इंसान कर सकता है तो पहले फिर दूसरों के लिए भी तुरंत कर पाएगा. ठीक है, ओके. फिजिबिलिटी, नेक्स्ट आइए फोर्थ नंबर पॉइंट. टाइप्स ऑफ, टाइप्स नहीं लिखे, लिखे डिफरेंट मीनिंग ऑफ द टर्म कॉस्ट. डिफरेंट मीनिंग ऑफ द टर्म कॉस्ट. देखो कॉस्ट मतलब आप जो सोचते हो वो एक मीनिंग है. आज से एक नया मीनिंग सिखाएंगे कॉस्ट का. व्हाट इज कॉस्ट? खर्चा. बट दैट खर्चा, ऑल खर्चा आर नॉट कॉस्ट. ऑल कॉस्ट, खर्चा तो हिंदी में बोल दिया. व्हाट इज कॉस्ट? टेक्निकल डेफिनेशन किसी को पता है? कॉस्ट माने खर्चा हो गया, वो रणछोड़ दास वाला डेफिनेशन. बट अपने को चाहिए टेक्निकल डेफिनेशन और रट्टू लाल जैसा. व्हाट इज कॉस्ट? नहीं बोलेंगे. अमाउंट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू. नॉट करेक्ट. नो नो. हाँ ऐसा बोल सकते हैं. मेरे को ये सुनना था, जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज consumed for production of goods or rendering of services, that is cost. Production of goods or rendering of services में जो जो resources use हुए उसका amount को आप cost बोलते हैं. Word cost is connected to production of goods or rendering of services. That's how cost accounting has been developed. But that's accounting meaning of cost. Accounting मतलब cost accounting करते वक्त, product का cost जोड़ते वक्त वो meaning आप समझिए. हम लोग अभी कॉस्ट को यूज करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए. डिसीजन मेकिंग एज अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ कॉस्ट. डिसीजन मेकिंग में कॉस्ट माने एक ही वर्ड है, आउटफ्लो. खर्चा नहीं है, आउटफ्लो. कैश आउटफ्लो अगर पॉकेट से जा रहा है तो कॉस्ट है. जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी बाय करो, इज इट अ कॉस्ट? मशीनरी बाय करना, इज इट अ खर्चा? हाँ, अकाउंट्स में इसको खर्चा बोलेंगे, पीएल में डेबिट करेंगे. अरे बोलिए तो. नहीं, तो इट्स इन अकाउंट्स, इट्स नॉट अ कॉस्ट. अकाउंट्स बोलता है कंज्यूम होना, जितना कंज्यूम हुआ उतना कॉस्ट. मशीनरी बाय किया तो कंज्यूम नहीं हुआ पूरा, तो जितना पोर्शन उसका डिप्रिशिएट हुआ है वही कंज्यूम हुआ, वही आपका कॉस्ट है. डिसीजन मेकिंग बोलता है वो आउटफ्लो है तो कॉस्ट है. ठीक है, और हम लोग अभी डिसीजन मेकिंग एंगल से चल रहे हैं, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग एंगल से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं. तो इसलिए मैं ये हेडिंग लिखता हूं, डिफरेंट मीनिंग ऑफ द टर्म कॉस्ट. एक है अकाउंटिंग मीनिंग, और दूसरा है डिसीजन मेकिंग, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं, जैसे ये कॉस्ट अकाउंटिंग मीनिंग बोल सकते हो, डिसीजन मेकिंग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग बोल सकते हैं. डिसीजन मेकिंग का मेन हेडिंग होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट्स नॉट इन कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट. कॉस्ट अकाउंटिंग मीनिंग बोल रहा है द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज consumed in production of goods
द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. When we are coming to management accounting meaning, it means simple outflow. It means outflow. Okay. Point number five likhenge. Point number five. Types of decisions. Types of decisions. दो पार्ट करो आप. पहला पार्ट है शॉर्ट टर्म डिसीजंस. दूसरा पार्ट है लॉन्ग टर्म डिसीजंस. शॉर्ट टर्म डिसीजंस को हम लोग बुलाते हैं नॉन रिपीटेटिव. नॉन रेगुलर. इनको हम लोग ऑफर भी बुलाते हैं. ऑफर हमारा आदत रहेगा आगे सम्स में वर्ड ऑफर से इसको इंडिकेट करने का. लॉन्ग टर्म डिसीजन वन टाइम डिसीजन बट हैविंग इंपैक्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड. More than a year. One time but having impact for a longer period. जैसे long term decision के लिए हमारे पास एक ही साधन होता है capital budgeting. What we use is capital budgeting techniques. लॉन्ग टर्म डिसीजन फाइनेंशियली वैसे ही एवेल्युएट करते थे. एनपीवी निकालो और डिसाइड करो. और व्हेन इट कम्स टू ऑफर वी यूज रेलेवेंट कॉस्टिंग. हालांकि रेलेवेंट कॉस्टिंग कैपिटल बजटिंग में भी यूज होता था. जब आप अपना कैश फ्लोज निकालते थे ना तो कैश फ्लोज में रेलेवेंट कॉस्टिंग का ही इस्तेमाल करते थे आप. मतलब जो इरेलीवेंट कॉस्ट है उसको कंसिडर नहीं करते थे. सिर्फ उन्हीं चीज को लेते थे जिसका कैश फ्लो होता था. जैसे अभी हमने आपको क्या सिखाया कॉस्ट माने क्या है आउटफ्लो है. तो आप याद करो कैपिटल बजटिंग में भी तो आउटफ्लो इनफ्लो पे खेलते थे हम लोग. और तो कुछ लेते ही नहीं थे अपने अकाउंटिंग मीनिंग पे जाते ही नहीं थे कॉस्ट का. तो बेसिकली कैपिटल बजटिंग में भी रेलिवेंट कॉस्टिंग का ही बेसिक्स था. बस उसमें एक्स्ट्रा चीज क्या था कि वो मोर देन अ ईयर में स्प्रेड है. बट यहां पर हम लोगों का पढ़ाई विद इन अ ईयर सिमट जाएगा. अगर मोर देन अ ईयर आएगा तो मैं पहली वार्निंग दे दूं हो सकता है किसी समय आए तो हमें भी कैपिटल बजटिंग में जाना पड़ सकता है. वही प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन में हमें भी जाना पड़ सकता है. ठीक है तो रेलिवेंट कॉस्टिंग है. और इसमें कैपिटल बजटिंग में क्या हो रहा है रेलिवेंट कॉस्टिंग तो है ही है विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपैक्ट. रेलिवेंट कॉस्टिंग तो है ही है विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपैक्ट. सो आवर फोकस विल बी ऑन दिस बट यू मे गेट फ्यू सम्स विथ मी वेयर कैपिटल बजटिंग इज ऑल्सो बींग डन.
सिक्स्थ डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग द इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स. Different approaches of presenting the evaluation of alternatives. So this you already know. Number one, first approach is, what was the name? Total cost approach. Name was total cost approach. Here what you consider is both relevant and irrelevant cost, both relevant and irrelevant costs are considered here. Number two, incremental approach. Change between two options is considered here. Full stop. Irrelevant costs become zero automatically. Third, opportunity cost approach. Opportunity cost approach only relevant costs of all the alternatives are considered here. Irrelevant costs are to be ignored manually. The net cost of an offer or decision or proposal is calculated as पर्टिकुलर्स और रुपीज बनाइए. कॉस्ट टू बी इनकर्ड, फॉर्मेट याद है ना आपको, कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर द ऑफर. फिर क्या करते थे, ऐड बेनिफिट्स लॉस्ट.
ड्यू टू द ऑफर, जिसको आप इनकम फोरगोन बोल सकते हो, फ्रॉम द अदर ऑल्टरनेटिव, जोड़ के आ गया आपका नेट रेलेवेंट कॉस्ट, जिसको आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी बुला सकते हैं, जिसको आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी बुला सकते हैं। फिर आ गया रेवेन्यू, इससे आ गया इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। इसी का पूरा ढांचा बना दिया बिकॉज ये हमारा फोकस है, बाकी का अंडरस्टैंडिंग के लिए था सिर्फ। द फाइनल डिसीजन इज ऑलवेज सेम, under any of the approach, the final decision is always same under any of the approach। ठीक है, देखिए दोस्तों आपका एक होमवर्क है, वो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2, क्लासवर्क सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 भी ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन 3B ट्राई कर लेना, 3B, 3A नहीं आएगा, 3B आ जाएगा आपको। 3B में कोई भी अप्रोच लगाना है, एनी अप्रोच जो आपको पसंद हो वो अप्रोच लगाना। मेरा पसंद पूछेंगे तो हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच है इस चैप्टर के लिए, दूसरे चैप्टर्स में भी रेलेवेंट कॉस्टिंग का यूज है बट उधर अप्रोच आपके हिसाब से चेंज कर लूंगा, बट इस चैप्टर में मैं चाहता हूं आप अपॉर्चुनिटी अप्रोच को ही कमांड करें। ठीक है जी, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे।